Rishabh! Rishabh! कैसे हो सकता है माँ, कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मेरा ऋषभ कितना हंसमुख है, कितना मिलनसार है, सभी को प्यार करने वाला है। वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को मार नहीं सकता। भैया कहीं चले गए थे ना, और किसी ने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि क्योंकि वो नरसिम्हा बन गए थे दादी। हाँ, पर हमें छोड़ के चले गए, इस घर में नहीं रुके, हमें से किसी को चोट नहीं पहुंचाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो बुरे नहीं हैं। तो लोग उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम जितना ऋषभ को जानते हैं उतना वो लोग नहीं जानते, और पहले से उनके पीछे ब्रह्मराक्षस पड़ा हुआ है। तो कहने ना, भाभी को ऋषभ भैया ने मारा है? नहीं, ये शायद उनकी गलतफहमी भी हो सकती है। आंखों देखी गलत कैसे हो सकती है बुआ जी, गांव वालों ने सब अपनी आंखों से देखा है। हमारे पहुंचने से पहले ही भाभी वहां मर चुकी थी। बहुत बुरी तरह से मारा गया उन्हें। इसका मतलब ये हुआ कि नैना को किसी और ने मारा है। ये सब क्या हो रहा है इस घर में, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसी दादी, वहां जो भी कुछ हुआ एक बात साफ है, ऋषभ भैया बुरे नहीं है। और ये बात नैना भाभी की, ऋषभ भैया और नैना भाभी बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी तो भैया की दोस्त जैसी थी ना, इसका मतलब वो मुझे भी मार देंगे। मारो तो नहीं ना। नहीं। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझते, वो ऋषभ भैया नहीं थे, और ऋषभ भैया किसी को नहीं मार सकते, और ऋषभ भैया ने नैना भाभी को नहीं मारा, और ये बात गांव वाले पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऋषभ कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। दादी फिर वो नैना भाभी को क्यों लेकर गए? क्योंकि वो ऋषभ है। तुम ही लोगों ने मुझे कहा था ना कि नरसिम्हा कभी रैना को चोट नहीं पहुंचा सकता। वो नहीं पहुंचाएगा। वो हवेली पूरे गांव के लिए श्राप है, श्राप। उस हवेली के लोगों ने पूरे गांव को सिर्फ चोट, दर्द, मुसीबत दिया है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब हम उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी भाभी को क्यों मारा। क्योंकि भाभी जी देवर का राज जान गई थी। देवर ने भाभी जी पर इल्जाम लगाया था कि वो ब्रह्म राक्षस के साथ मिली हुई है। बेचारा ब्रह्म राक्षस ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसके नाम पर सारा खून खराबा उस नरसिम्हा ने किया था, और ये राज की बात भाभी जान गई थी। बस इसीलिए वो देवर ने भाभी की जान ले ली। लेकिन वो अपनी जान, मेरा मतलब रैना की जान नहीं लेगा। हाँ, वो हम सब की जान ले सकता है। लाखन ने बिल्कुल सही कहा, हम सब की जान खतरे में है। अगर हमने उसका और उसकी बीवी का साथ नहीं दिया तो वो हम सबको मार डालेगा, और फिर हमारे इस पूरे गांव पर राज करेगा। अरे गांव वालों, मारो या तो फिर खुद मरो। पर कैसे मारे, उसके घर वाले तो हमारा साथ देंगे नहीं। तो ना दे। अरे पूरी की पूरी लंका लेकर करना कहा है हमको? हमें तो बस एक विभीषण चाहिए, बस एक घर का भेदी जो पूरी की पूरी लंका ढा दे। विभीषण, वो कौन है? ये है।
तुम हमारी मदद क्यों कर गए? क्योंकि मेरी मदद किसी ने नहीं की। मेरी बीवी को मेरी आंखों के सामने उसने मार दिया, फिर भी सभी घर वालों ने उसी का साथ दिया। हाँ, उन लोग के लिए तो राम है ना वो, उन्हें भी जरा पता चले कि वो राम नहीं बल्कि राम के रूप में रावण है। मानता हूं मेरे परिवार वालों ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, बहुत पाप किए, लेकिन उन सभी के पापों का प्रायश्चित अब मैं करूंगा। मैं आप लोगों का साथ दूंगा। लोगों ने आपके हंसते खेलते हरे भरे गांव को देखिए शमशान बना दिया है। इस गांव को दोबारा आबाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और करूंगा। आपका हर दुख हर दर्द का भुगतान मैं ही करूंगा। सच कहूं तो मैं यहां आप लोगों की मदद करने नहीं बल्कि अपनी बलि देने आया हूं। अपनी आखिरी सांस तक मैं आपकी मदद करूंगा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। जब मेरी मरी हुई बीवी की सौगंध, उसके हत्यारे को तो मैं जरूर मारूंगा। अब जान गए मैं कौन हूं। मैं मौत मौत जीना चाहती हूं। भाग जाओ यहां से, भाग जाओ, भाग जाओ। तुमसे अपने प्यार से भाग जाओ। प्यार नहीं, नफरत। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरा शरीर देखो। गंद आती मुझसे गंद। मैं मौत हूं, डरो मुझसे, डरो। नहीं डरती, मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं मार सकते। मार सकता हूं, मार सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं, शक्ति मेरे पास। देखना चाहती हो? देखो, देखो, मैं तुम्हारी आंखों से तेज भाग सकता हूं। जहां तुम देख सकती हो उससे ज्यादा तेज भाग सकता हूं, जो सोच सकती हो उससे दूर तक भाग सकता हूं मैं। देखना चाहती हो? देखना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूं, इसलिए तुम्हें यहां तक लाया। मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मार डालो, मैं तो अभी भी यहां खड़ी हूं, जिंदा हूं। मारना चाहते हो ना, मार डालो। तुम मेरी फितरत नहीं जानती। जानती हूं, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी ही तो है, ले लो। इतना विश्वास अच्छा नहीं है। अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करती हूं मैं तुम पर। प्यार जो करती हूं तुमसे, ये प्यार नहीं है, धोखा है, धोखा। तो इस धोखे से प्यार है मुझे? ये पागलपन है, इस पागलपन की आग में जल जाओगी तुम, जल जाओगी। तो जल जाने दो। प्यार करने वाले ऐसी चीजों से डरते नहीं। मैं प्यार नहीं, सिर्फ नफरत करता हूं। नरसिम्हा हूं मैं, नरसिम्हा। नहीं, ऋषभ हो तुम, मेरे ऋषभ। मर चुका तुम्हारा ऋषभ, मर चुका है। नहीं, अगर मेरा ऋषभ मर चुका होता ना, तो अब तक तुम मुझे मार देते। पर नहीं, मैं जिंदा हूं, यहीं पे खड़ी हूं, मतलब मेरा ऋषभ भी जिंदा है। पूरा गांव रैना और ऋषभ को मार देना चाहता है। मुझे उन दोनों को चेतावनी देनी होगी। मर चुका है वो, मर चुका है वो, ये मैं हूं, देखो। देखो, वाओ, क्या डैशिंग लग रहे हो, क्या स्मार्ट लग रहे हो। पागल हो गई तुम? मरना चाहती हो तुम? मार सकता हूं मैं तुम्हें, मार दूंगा। तुम्हारे साथ ना जीने से अच्छा तो यही है ना कि तुम्हारे ही हाथों मर जाऊं। मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? बोलो। प्यार से डर लगता है। तुम्हें भी तो प्यार से डर लगता है ना? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं,
चली जाओ यहां से। जब मेरे पीछे आई ना, जान से मार दूंगा। तो मार डालो ना, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पीछे आऊंगी। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऋषभ। आई लव यू। प्यार किया है, साथ जीने मरने का वादा किया है। आखिरी सांस तक प्यार करूंगी, करती रहूंगी। रैना के खून की गंध आ रही है। लाखन, है तो वो यहीं कहीं। कहाँ? तुम्हें कैसे पता? वो देख, पैरों के निशान। वो बड़ा बड़ा। नरसिम्हा के? चल। पता नहीं रैना कहाँ चली गई। मुझे उन दोनों की मदद करनी होगी। मुझे ऋषभ को ये माता की चुनरी देनी होगी। कहाँ चला गया ऋषभ? ये आवाज कैसी? कहिए ब्रह्मराक्षस तो? नहीं, नहीं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कैसी थी? पैरों के निशान, इंसान के निशान। लगता है इस तरफ गए हैं। पैरों के निशान इधर हैं। हाँ चलो। मूर्खों, ये फूली के निशान हैं। उस बुढ़िया का क्या करोगे? कैसे बताऊं ये फूली की गंध है, मेरा राज खुल जाएगा। रैना, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। ना कोहरा छाया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ ढूंढू मैं इस लड़की को। रैना, रैना, रैना यही है। लखन कहाँ? वहां उस पेड़ के पीछे आवाज सुनी मैं। अरे इधर। मैं हिल नहीं सकती। क्या करो ऋषभ जी, बचा लीजिए। साहब यहां भी कोई नहीं है। यही है साहब, ने आवाज सुनी वो यही है। साहब है संभाल के, इधर से सब लोग इधर आओ। सारा गांव तुम दोनों को ढूंढ रहा है, तुम दोनों की जान लेना चाहता है। प्यारे ना, तेरा भाई कहाँ? मेरी बहन को छोड़ दो, वरना जिसने हाथ लगाना सबका हाथ छोड़। अरे हाथ क्या, तुम्हारे भाई ने तो पूरे गांव की कमर तोड़ कर रखी है। पता कहाँ छुपा रखा तूने अपने भाई को? इस हवेली में सबका दिल है, सबका दिल। जुबान संभाल के बात करो। तुमको क्या लगा कि गांव वालों को मारकर तुम गांव पर राज करोगे? तुम तो अपने भाई के लंगोटिया भाई हो। तुम्हें भी नहीं पता था कि ऋषभ भी नरसिम्हा है? हमें नहीं पता था। अच्छा, हो ही नहीं सकता। वाह, इतनी बड़ी बात गाँव में नहीं छुप सकती, घर में छुप गयी। बात करते हैं। बस बस छोड़ो, अपनी क्या कर रहे हैं आप? तो हमें जानते हैं। ए कम्मो, छोड़ दे उसका हाथ। ओ बाबू, ये ढोस किसी और पे जमाना, समझ गए? बाबू बाबू बोल के तुमको सर पे बिठाया तो सर पे नाचने लग गए, अब और नहीं, समझे?
गांव वालों जाके इनके सरदार को मतलब ऋषभ को खबर दे दो कि ये हमारे कब्जे में है। देखता है वो किसका क्या बिगाड़ सकता। बस मेरा साथ देने के लिए मैंने तुझे पैसे दिए और ये गद्दारी मेरे साथ। नले तूने इसे पैसे दिए थे? हाँ आप पैसे दिए थे और न जाने किन किन को पैसे दिए अपने फायदे के लिए और सारे गांव वालों को छोड़ दिया मरने के लिए। जितने पैसे दिए बाबू उतना काम किया। अब कमो तुम्हारे पैसे पे थूकती है। नहीं चलो यहाँ से। एक मिनट देखिए ये मेरा परिवार है। अगर परिवार में कोई भी गलती करता है तो उसकी सजा मुझे भी भुगतनी चाहिए। परिवार में एक भी खराब साया आ जाए तो पूरे परिवार का नाम खराब होता है। हो गया चलिए हम चलते हैं आपके साथ। चलो 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 चलो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी ही तो है ले लो। इतना विश्वास अच्छा नहीं है। अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ तुम पर। नहीं मार सकता। मैं रैना को नहीं मार सकता। अगर मैं नरसिम्हा बना तो मैं उसे मार दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसके सामने जाने से बचना होगा। गॉड प्लीज। लाखन रैना की आवाज वहां से आ रही है। कहां कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ गया हूँ कुछ। अरे साहब छोड़ो उसे मरने दो। क्या करना मैं इसे कर? पागल हो गया राखन। नरसिम्हा को बुलाने के लिए हमें रहना चाहिए। उसका जहर तो निकालना होगा नहीं तो मर जाएगी। रैना रैना आंखें खोलो। रैना 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 मेरी मदद कीजिए प्लीज। मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत। मदद? और हमारी मदद तो आप करेंगे।
भगवान तो स्वयं पालनहार होते हैं, तारणहार होते हैं। जब जब धरती पर शैतान आता है तब हम उसी भगवान का आवाहन करते हैं और वो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और इस बार आपके अवतार में यहाँ पर आए हैं। क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जब समझ में नहीं आता तो समझना चाहिए कि समझाने वाला आ गया, कोई अवतारी आ गया और उसके लिए इस बार उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि अब संसार के सारे पापों का विनाश तुम ही करोगे, शैतान का सर्वनाश करोगे। उसने कहा है कि जब भी कोई शैतान आएगा तो भगवान भी आएगा। आ गया नरसिम्हा, आ गया। अब जो रूप तुम्हें मिला है और जो लक्ष्य मिला है उसे पूरा करो। इस संसार को भय से अभय करो, डर से निडर करो और पाप से मुक्त करो। मैं नहीं कर सकता, मैं इस संसार को भय मुक्त पाप मुक्त नहीं कर सकता। मैं खुद अपने रिश्तों से परिवार से बंधा हूं। अगर मैं नरसिम्हा बना तो मैं उन सबको मार दूंगा। मैं नहीं कर सकता। अब नरसिम्हा बनना या ना बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, अब तुम नरसिम्हा बन चुके हो। अगर मैं नरसिम्हा बना तो मैं अपने परिवार को ही मार दूंगा, मुझसे ये नहीं होगा। दो ही रास्ते हैं, या तो नरसिम्हा बनोगे और ना ही बने तो मैं मर तो सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? सच पूछिए तो मैं उस ब्रह्म राक्षस को मारना चाहता हूँ, उसे मारकर अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं नरसिम्हा बना तो मैं अपनी रैना को मार दूंगा, जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मेरी जिंदगी है। उसे मारने के ख्याल से मैं हजारों मौत मरता हूं। शायद भगवान ने शैतान के विनाश के लिए गलत इंसान को चुन लिया। अगर मैं मर गया तो शायद वो सही इंसान चुन लेंगे। तुम शायद अपनी शक्तियां नहीं जानते। अगर तुम्हें मरना ही है तो ठीक है, हमें पूजा करनी होगी। एक बार ये पूजा हो गई तो इस पूजा का फल हम बदल नहीं सकेंगे। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? हाँ, मैं मरना चाहता हूं। युग साहब, क्या हो रहा है? लगता है इन पे जहर का असर हो रहा है। भैया नाखन, मैं युग बाबू को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम रैना को लेकर असुर स्थल चले जाओ, उसका पूरा खानदान भी वही है। यदि वही डाल दो, ये वहां रहेगी, ऋषभ बाबू भी वही आए। हाँ? वो नहीं आएगा। आएगा, से आना पड़ेगा। लाखन, लाखन, रुक जाओ। चलो बाबू जल्दी चलो, आपका राक्षस बाहर आ रहा है। चलो चलो बाबू, युग बाबू। डरो मत, जो होता है वो होने दो। हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो भगवान हमारा बुरा नहीं होने देंगे। भाभी, रैना, चल, रैना, दादी, आप ठीक तो है ना? तो मेरी चिंता मत कर बेटा। लाखन, अभी तक बांधा नहीं इसे। नहीं कमो, इसको सबके साथ नहीं, इसे बीच में बांधेंगे। नहीं, अरे बांधो इसे। नहीं, मत बांधो उसे। नहीं, नहीं। यही तो अपने प्रेमी को बुलाएगी। नहीं, नहीं बुलाऊंगी मैं उसे। आज की रात तुम सब मरोगे, सब मरोगे। ये भी इनकी भक्त है, इनकी खानदानी भक्त। वो आ गया, हमारा ऋषभ तुम्हें बचाने आ गया। बेचारा, आज तो वो भी नहीं जानता कि वो हमें मारेगा या खुद मरेगा। एक बात अच्छे से याद रखना, अगर उसने हम सब पे हमला बोला तो हम सब तुम पे हमला बोल देंगे।
सदाचार नरसिम्हा। वेद, तुम्हारे भैया बुरे नहीं, ये सब लोग, इन सब लोगों पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहे हैं। ऋषभ बुरा नहीं है। तो उसने नैना को कैसे मारा? नहीं अंक, मुझे नहीं लगता कि नैना भाभी को ऋषभ ने मारा, वो कोई और था, किसी और ने नैना भाभी को मारा। जैसे दादी आपको बताए, जब ऋषभ नरसिम्हा बनता है ना तो उसे बहुत दर्द होता है, उसे खुद बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम सबको बिना बताए वो हमें छोड़कर चला गया। तो फिर बच के वापस कैसे आया? ब्रह्म राक्षस, वो ब्रह्म राक्षस को मारने आया है। क्या हुआ? क्या हुआ कम्मो? ओ ब्रह्मराक्ष, कम्मो, तुम सब ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम सबका जमींदार था, मैंने तुम सबको अच्छी जिंदगी दी, मगर तुम सब ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की। मुझसे नफरत की, मुझे धोखा दिया, फिर भी आज मैं यहां आया हूं तुम सबको बचाने, उस नरसिम्हा से। क्या तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे? ब्रह्मराक्षस बाबू, आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। ये लड़की और ऋषभ की पूरी बिरादरी तुम्हारी हुई, मार डालो इन सबको। और वो ऋषभ नहीं है, वो जानवर है, जानवर। कहाँ है नरसिम्हा? कहाँ है? वो आएगा राक्षस बाबू, हम उसे ले आएंगे। तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट आज तुम्हें जरूर देंगे हम। क्या हो गया तुम्हें? ब्रह्मराक्षस ने मुझ पर अटैक किया, अब मेरी इतनी भी फिक्र नहीं है। ओम नरसिम्हाय नमः। बुला उस नरसिम्हा को, बुला। नहीं बुलाऊंगी, वो नहीं आएगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मारना है ना, मार डालो। लेकिन मैं ऋषभ को नहीं बुलाऊंगी, इनफैक्ट हम में से कोई ऋषभ को नहीं बुलाएगा, चाहे हमारी जान भी चली जाए। हमें मार डालो, लेकिन हम ऋषभ को नहीं बुलाएंगे। तो मरो लाखन, जला दे इसे।
नहीं रहना। जब ये जल जाएगी तब पता चलेगा। जाओ लखन, जाकर तेल लेकर आओ। पकड़ कम्बो। ऋषभ, ऋषभ अब तुझे आना होगा। ऋषभ लखन, लखन मर जाऊंगी जाओ। पर मैं ऋषभ को नहीं बुलाऊंगी। ऋषभ नहीं, नहीं। भाभी, भाभी मैं मर जाऊंगी। मैं ऋषभ को नहीं बुलाऊंगी। क्या तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगी? कभी प्यार नहीं किया है ना तुमने? अगर किया होता तो पता होता कि प्यार में कितनी ताकत होती है, पूरी कुदरत होती है। तुम अगर मुझे जिंदा भी जला लोगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्या, हजार मौत झेल लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें ऋषभ तक नहीं जाने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे बोलने के लिए ये सब बोल रही हूँ? मेरी एक एक शब्द में पूरी दुनिया, प्यार की दुनिया, एक खामोश दुनिया जहां बड़े से बड़ा तूफान भी अगर आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खामोशी की शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। लखन, ये चिड़िया बहुत फुदक रही है, जला दो इसे। हमें किसी भी तरह नरसिम्हा को यहाँ पर बुलाना है और यही बुलाएगी उसे। नहीं बुलाएगी तो यहीं पे चल के रात हो जाएगी। नहीं, छोड़ दो रैना को। एक काम करते, सबसे पहले इसे जलाते हैं। लखन, लखन छोड़ इसे। देखते हैं कब तक अपने ऋषभ को नहीं बुलाती है। ये चलेगी तो ये चीखेगी और चीख चीख के अपने ऋषभ को बुलाएगी। चल। नहीं लखन, उस मासूम को छोड़ दो, मुझे मारना है, मुझे मार दो, उसे छोड़ दो प्लीज। ऋषभ। बेटा रुक जाओ, हमारी पूजा संपन्न होने ही वाली है, पूजा में विघ्न मत डालो। कहीं कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। रैना, रैना किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं तो एक नहीं, सारे मासूमों को जला देंगे। नहीं, नहीं लखन, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। वो बेचारी मासूम है, ये सब मत करो, ये पाप है। देखो तुम सबको श्राप लगेगा, अगर उसकी हत्या करोगे ना तो तुम सब भुगतोगे। लखन छोड़ो उसे। हत्या तो तुम कर रही है गांव वालों की, नरसिम्हा के साथ मिलके, और हम अपने हथियारों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, समझी तू? प्लीज लखन, मिताली को छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जलाओ। तो बोल अपनी भाभी को अभी इसी वक्त ही भैया को बुलाए। बोल। नहीं, नहीं बुलाऊंगी, नहीं। ऋषभ, नहीं, नहीं, ऋषभ। लखन, चुप कर। तुझे क्या लगा तू मेरी फैमिली को पूरा जला देगा? मैं चुपचाप बैठा रहूंगा?
छोड़ दो प्लीज। वेद, भाभी, वेद को बचा लो भाभी। इस वेद को मार डालो, उछाल दो उसे हवा में। भगवान, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो तो मेरे परिवार को बचा ले। ऋषभ को ले आ भगवान। ऋषभ बचा लो, ऋषभ प्लीज, ऋषभ। नहीं, तुम रूप नहीं बदल सकते, तुम्हें आहुति देनी है, अपने प्राणों की आहुति। बस एक पैर इस हवन कुंड में रख दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे प्राणों का हवन हो जाएगा, ये नश्वर शरीर तुम्हारा अग्नि में दहन हो जाएगा। मैंने कहा था तुमसे कि एक बार ये पूजा शुरू हो गई तो हम इस पूजा का फल बदल नहीं सकेंगे। यज्ञ शुरू हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते, अब तुम पलट नहीं सकते। रैना मुसीबत में है, वो मुझे बुला रही है। हे भगवान, अगर मैंने अच्छे कर्म किए हो तो ऋषभ को बुला ले, अगर वो नरसिम्हा के अवतार में आएगा तो भी मुझे कोई ऐतराज दिए कोई गम नहीं है, बस मेरे परिवार को बचा ले। अरे, ये ब्रह्म राक्षस नरसिम्हा को देख के पीछे क्यों जा रहा है? राक्षस, कहाँ है तू? सामने आ, आज ये कहानी यही खत्म हो जाए तो अच्छा है। सामने आ, कहाँ है तू? ब्रह्म राक्षस के अंदर रैना का खून, और नरसिम्हा ये नहीं जानता। आज मेरा ब्रह्म राक्षस शक्तिशाली बन गया है। ऋषभ की प्रेमिका का खून पीकर वो बहुत शक्तिशाली बन गया। कम्मो ने ऐसा क्यों कहा? ब्रह्म राक्षस ने मेरा खून कब पिया और मेरे खून से उसे शक्ति कैसे मिलेगी? मुझे तेरा ही इंतजार था, आज मेरे पास शक्ति है तुझे मारने की, आज मैं तुझे मार दूंगा।
इस यज्ञ कुंड में हमने उस इंसान की मुक्ति के लिए ये यज्ञ किया था जो नरसिम्हा बन गया था, और अब नरसिम्हा की सारी शक्तियाँ इस हवन कुंड की अग्नि में समाहित है। उसी शक्ति की रोशनी है। अब यज्ञ पूरा होने के बाद वो अपने परिवार के लिए लड़ने गया है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि ब्रह्म राक्षस ने मेरा खून किया? तुमने ऐसे क्यों कहा? मैं तो बस ये कह रही थी कि ब्रह्म राक्षस ना अब बहुत शक्तिशाली हो चुका है। ये झूठ बोल रही है, पता नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आज शैतान जीत गया तो सब लोगों का विश्वास हमारे भगवान से उठ जाएगा। ये हमारे भगवान है, कैसे भगवान अपने भक्तों को पराजित होने दे सकते हैं? हे नरसिम्हा, बुराई के विनाश के लिए हम अपना रक्त अभिषेक करेंगे, हम अपनी बलि देंगे, तुम उसे शक्ति दो। नरसिम्हा की जय हो। कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। उस लड़की को हाथ मत लगा। दादी, अगर ऋषभ हार गया तो हम क्या कर सकेंगे बेटा? हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। मैं जाके मदद ले आती हूँ। दादी आप प्लीज बस ऋषभ का ध्यान रखिएगा। हाँ? तेरा ध्यान कौन रखेगा? अब देख इसकी हालत देख। मेरे बारे में आप मत सोचिए, मैं ठीक हूँ। बस ऋषभ का ध्यान दीजिए प्लीज दादी। बेटा ध्यान से ज्यादा। ओम नरसिम्हाय नमः। 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 अनर्थ, घोर अनर्थ। गुरु, गुरुजी, शैतान जीत रहा है और नरसिम्हा पराजित हो रहा है।